नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और पेपर को दीजिए बड़े आराम से, क्वेश्चन को सही से पढ़ के दीजिएगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण के, ये बिल्कुल देख लीजिए फिर पेपर देने जाइए। कौन सा तत्व तो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? बसा में पाई जाती है, याद रखिएगा। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। एक ग्लास पानी से कितनी कैलोरी निकलती है? तो शून्य निकलती है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। पर्यावरण अध्ययन की वैज्ञानिक विधि क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि। मेघालय का पठारी भाग जो है वो एक प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। प्रवाल द्वीप कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है विभिन्न द्वीपों का समूह भी है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में सबसे ज़्यादा देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की थी? भारत ने की थी। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची का विषय है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ग्रीन आर्मी जो बनाई थी वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी। इसमें जो है 17 से 24 वर्ष के जो है युवाओं को लिया गया था। तो आपको याद रखना है ग्रीन आर्मी बनाने वाला देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, क्वेश्चन ये आया पीसीएस में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में बना है, लखनऊ में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया? 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित है। सरसों के बीज में अपमिश्रक, अपमिश्रक का मतलब है कि सरसों जैसा कोई अन्य बीज साथ में मिल जाता है, तो ये मिल कौन सा बीज हो गया? ये आरजी मोन हो गया। और आरजी मोन से जो है फिर ड्राफ्सी नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि सरसों और अपमिश्रक हो गया तो साथ में उगाया, फिर उसके साथ सरसों का तेल बना, तो उससे जो है आरजीमून, याद रखिएगा, ड्राफ्सी बीमारी होती। दोस्तों अगला है अर्जुन बांध जो कि महोबा में है, ये अर्जुन नदी पर है और इससे हमीरपुर भी लाभान्वित होता है। गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, याद रखिएगा, सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी की बात हो रही है यहाँ पे। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 4 मिनट लेती है। 360 डिग्री पार करने में जो है उसको 24 घंटे लगते हैं, और 15 डिग्री जो है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट में, याद रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी का जो हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में है। विश्व का कुल क्षेत्रफल में कितना भाग जो है निर्जन है? 33% भाग जो है वो निर्जन है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंटिक आवास जो होते हैं वो स्थिर जल के आवास होते हैं, जैसे तालाब हो गया और कोई मतलब झील हो गई। और लोटिक आवास जो होते हैं वो बहते जल में होते हैं, ठीक है, बहते जल के आवास।
विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भूमंडल के सभी महासागरों का तापमान, औसत तापमान, भूमंडल के सभी महासागरों का औसत तापमान जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैब यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मैप की। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जल चक्र निभाता है, याद रखिएगा। अपिको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक से 1983 में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा की जो औपचारिक विधियां हैं उनमें पाठ्यपुस्तक विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, ठीक है याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 64 में है, 64। भारत का प्रथम तितली उद्यान, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा बंगलुरु, याद रखिएगा। प्रथम तितली उद्यान। कृत्रिम वर्षा में जो इस्तेमाल होती है वो सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्धि पुस्तक में भी दिया गया है और ये हाल में इस चर्चा का विषय भी रहा है। तो ये 1620 किलोमीटर का है, इलाहाबाद टू हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग 1, याद रखिएगा। दोस्तों अगला है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। उत्तर में सर्वाधिक जो है आंवला और उसके उद्योग कहाँ है? प्रतापगढ़ में। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, ये पशु मेला है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 2 से 8 अक्टूबर। विटामिन B12 की अगर बात करें तो इसमें साइनोकोबालामिन पाया जाता है, साइमो कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें जो है साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 में। सोनभद्र जिले की सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान, अलवर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है, 900 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। पश्चिम को प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? जो पश्चिम को प्रवाहित होती हैं नर्मदा और ताप्ती। DTO की खोज, D2 होता है भारी जल, D2 होता है भारी जल, भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। अदरक क्या है? अदरक एक प्रकंद तना है, पायरिया एंटामीबा जिंजिवालिस से होता है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, UN के द्वारा 1984 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में इसकी स्थापना हुई और बाद में इसका जो है वर्तमान में नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, NRCA, याद रखिएगा 1985। गोरखपुर बसा है राप्ती नदी के किनारे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 301 के तहत है। कालाजार रोग, लीस मैनिया डोनोवानी, ये वायरस है इसका है कालाजार रोग का, लीस मैनिया डोनोवानी। अगला है 48वां टाइगर रिजर्व, ये 2015 में बना था, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। देश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी था। 2011 तक जो है 18 जैव मंडल हैं पूरे देश में। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, याद रखिएगा। मुड़िया पूड़िया मेला जो है मथुरा में लगता है, गोवर्धन धाम में, याद रखिएगा। प्रथम बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना प्रथम बहुद्देशी। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं और टोटल जो है 6 मूल अधिकार हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों अगला है नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए हैं, संविधान के भाग 4 में हैं जिसमें 5 समूह हैं। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो आपको याद रखना नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो ये मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, अनुच्छेद 51 का 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे।
भाग, संविधान के भाग चार कामें मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 कामें मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। सोवियत रूस से लिए गए हैं दोस्तों। अगला है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध यानी कि जब आपातकाल लगाया गया था तो वो कहाँ से लिया गया था, वो जर्मनी से लिया गया था। अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली जो है वो कनाडा से ली गई है। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना है कौन सा कहाँ से लिया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, मूल कर्तव्य सोवियत रूस से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत लंबा ना हो इस वजह से जो है मैं समाप्त कर रहा हूँ, और अच्छे से जो है आप एग्जाम दीजिए, किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के आपको आंसर देना है, आप ज़रूर जो है इसमें पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।